तो इसलिए आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा करूँ तो एप्लीकेशन आपके सामने ओपन है यहाँ पर आप देखें लॉग इन और साइनअप का ऑप्शन आपको शो हो रहा है तो आपने जब जो आपका पासवर्ड और आपने लॉगिन आई होती है ये आपने साइन अप आप में ही बनानी होती है तो आपने साइनअप आप पर सिंपल सा क्लिक करना होता है साइनअप आप आपके साइड पर है तो साइनअप पर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर आपने अपना आईडी कार्ड यानी कि शोस्टी कार्ड नंबर जिसे कहते हैं आपने यो वहाँ पर इंटर करना आपने डैश इसमें कोई नहीं देनी अगर आप तीन बत्ती या दूसरा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर

जो हमारे पास न्यू स्टेप ओपन होता है यहाँ पर वेरिफिकेशन होता है उसके बाद आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन ली जाती है यहाँ पर देखें आपने ये रीड करना तो कर सकते हैं अदरवाइज आपने मैंने तो रीड किया हुआ एग्री पर क्लिक करते हैं एग्री पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो एटीएम कार्ड का जो सोलह हिस्सों का नंबर होता है एटीएम कार्ड आपके पास मौजूद होगा उसके सोलह हिंसें के नंबर होते हैं ऊपर ए कार्ड के नीचे ए कार्ड का पिन होता है ये लॉग इन होती है जब आपने अपने एच अकाउंट में लॉगिन करना है तो सबसे पहले तो ऊपर ए कार्ड नंबर लिखा नीचे पिन लिखेंगे और लॉगिन आई जो होती है वो अकबर जैसे मेरा ना नाम अकबर है ग्यारह बाई सात लगा लें इसी तरह का आपने पासवर्ड एक लॉगिन आईडी बना लेनी मैं आपके सामने अपनी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे दी है उसके बाद मैं यहाँ पर देखें लॉगिन आईडी पर जो है वो आप मैंने लिखी उसके बाद फिर आपने लॉग इन ही लिखनी है नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर लॉगिन आईडी लिखेंगे जैसे आप लॉगिन आईडी फिर दोबारा से इंटर करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन होता है ऐसे हमने लॉगिन आई डी यहाँ पर आपके मोबाइल जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर वही होता है जो आपने एच बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हुए कर दिया था यहाँ पर हम अपने ओ कोड को यहाँ पर तलाश करेंगे यहाँ पर हमें अपना ओ कोड मिल चुका है अब हमने दोबारा नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक किया वहाँ पर हमें यही कार्य आ रहा है कि करेक्ट इनकरेक्ट हो चुका है हम दोबारा इसको रिफ्रेश करके दोबारा मंगवाएंगे ओ कोड को हमने यहाँ पर देखें दोबारा ओ कोड के लिए रप्लाई कर दिया है अभी हमने जब दोबारा रप्लाई किया है तो आपके सामने ओ कोड के लिए तो यहाँ पर हमने दोबारा से इसको दोबारा रिट्राई कर दिया है रिफ्रेश भी कर दिया और अब हम फिनिश पर क्लिक करेंगे यासी मैंने ओ कोड लिख कर दोबारा फिनिश पर क्लिक करते हैं और रिफ़्रेश के लिए जब आप लिखेंगे ओ कोड आपको तकरीबन इकतालीस सेंट आपके पास होते हैं यहाँ पर देखिए हमें फ़िनिश पर क्लिक किया और उसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे जैसे ओके पर क्लिक करते हैं हमारे पास फिर से ओ टी कोड आएगा दोबारा से रीट्राइव वाला जैसे हम ऑटोमेटिकल पर क्लिक करेंगे फिनिश पर क्लिक करेंगे फिनिश पर क्लिक करने के बाद हमारा अकाउंट नेम आ चुका है हमारा सामने शो हो गया अकाउंट नेम उसके साथ अकाउंट नेम शो होगा आपने ये देख सकते हैं उसके नीचे आपको नेक्स्ट ओपन लिखा हुआ है दोनों अकाउंट आपको नजर आ रहे हैं ओके करें मैंने इसको ओके कर दिया जैसे मैंने इसको ओके किया उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप ओपन होगा उसमें आपके साथ बहुत ही यहाँ पर देखें आपने सबसे पहले तो आपने अपना पासवर्ड बनाना होता है जब आप लॉगिन करेंगे ये भी आपने इसी तरह का बनाना है अकबर जैसे हमने पहले ग्यारह बाई यूज़ किया हम आप अकबर के साथ अठाठकवे या इस तरह के कोई वर्ड यूज़ करेंगे दोनों पासवर्ड आपके मैच होने चाहिए ऊपर वाले और नीचे वाले ट्रांजेक्शन पासवर्ड ये आपके भी बहुत काम के होते हैं ऊपर वाला आप पासवर्ड लिखें नीचे ट्राजेक्शन पासवर्ड याद रखिए जी तीनों पासवर्ड आपस में मैच नहीं होने चाहिए यह लॉगिन आई और पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड ऊपर आपने पासवर्ड अपना आठ हिंसों का बनाए उसके बाद नीचे दूसरे नंबर पर भी वही सेम दें तीसरे नंबर पर भी आपने से अलग से देना है ये देखें अभी हमें एक पासवर्ड जो नीचे वाला तीन है एक ट्रांजेक्शन पासवर्ड होता है ये आपस में मैच नहीं होने चाहिए आपने अलग से ट्रांजेक्शन पासवर्ड अलग बनाना है यह देखें आपके सामने कहा जा रहा है कि रीट्राइव भी आपका मैच नहीं हो रहा है अब दोबारा से इसको देख कर मैच करेंगे अब हम दोबारा इसको देखते हैं जिस कह रहा है सेम पासवर्ड नहीं होना चाहिए हमने सेम पासवर्ड बना दिया था ट्रांजेक्शन भी और पासवर्ड भी अब इसमें हम चेंजिंग कर दिया चेंजिंग करने के बाद हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं अब नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखें एकसेसफुल योर अकाउंट आपका अकाउंट एक्सेसफुल हो चुका है अब हम दोबारा एप्लीकेशन ओपन है तो यहाँ पर हम वो लॉग इन आई जो आपने को मैंने पहले बताया था अकबर ग्यारह बाई वाली और उसके बाद हमने जो अभी पासवर्ड बनाया हुआ है पहले नंबर वाला ट्रांजेक्शन ही दूसरा पासवर्ड आप हाँ लॉगिन आई लिखते हैं उसके बाद यहाँ पर लॉग इन आई लिखने के बाद आपने नीचे पासवर्ड लिख लेना है पासवर्ड भी हमने यहाँ पर देखें टाइप कर लेते हैं अभी हम पासवर्ड भी यहाँ पर टाइप करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी लाजमी से कर दें अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को चल पर सब्सक्राइब करें लॉगिन पर किया इससे आप जायज़ कैश और इसी पैसा और बिल पेमेंट और इसमें आप किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का इशू चाह रहे हैं तो वो तमाम प्रॉब्लम का सलूशन हमारे इसी चैनल पर मौजूद है तो डेली बेस पर मैं एक एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो आप टेक्निकल अकबर साथ लिख लिया या करें आपको तमाम वीडियोस मिलती रहेंगी यहां पर देखें हमारा अकाउंट लॉग इन हो चुका है तो यहां पर हमारे अमाउंट शो हो रही है जीरो जीरो छब्बीस पैसे हमारे अकाउंट में है तो इस तरह आपका अकाउंट पर...